मैं जानना चाहता हूं एनडीए के सभी नेताओं से और भाजपा के नेता से भी, गुजरात में शराबबंदी कानून लागू है, दर्जनों लोग की मौत होती है, सुलभ व्यापार भारतीय जनता पार्टी वहां निरंतर पैरेलल इकोनॉमी कायम करके रखी है, दिल्ली से ऐलान करें कि हम गुजरात में शराबबंदी कानून हम वापस करने जा रहे हैं, जहां खुद फेल है, जहां लोग जहरीली शराब से मौत हो रही है गुजरात के अंदर में, अवैध व्यापार का धंधा इतना है कि वहां 25,000 करोड़ गुजरात के अंदर में भारतीय जनता पार्टी पैरेलल इकोनॉमी शराब के माध्यम से उगाही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को सत्य का जानकारी नहीं रहता, मुझे दुख होता है कि कैसे कैसे किन किन किस्म के लोगों को यहाँ स्थापित करके भारतीय जनता पार्टी रखी है, उनका कोई रिश्ता नहीं है गोपालगंज वालों का शराब से। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने यह मांग किया है कि बिहार में शराब खोल देनी चाहिए, अगर शराबबंदी सफल नहीं है तो शराब खोल देनी चाहिए। इस तरह की बातें गिरिराज सिंह ने पहले भी इस बात को कहा कि अगर बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी सफल नहीं हो रहा है तो शराब को खोल देना चाहिए। बात करते हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं और आरजेडी सत्ता में भी है, भाजपा कह रही है कि शराबबंदी कानून को ख़त्म करके शराब चालू कर देना चाहिए। बिहार में सशक्त शराबबंदी कानून लागू है, जब कानून लागू हो जाता है तो कानून समाप्त करने की जो लोग बात कर रहे हैं वो भी सत्ता में रहे हैं। हमने देखा कि सुबह सुबह सुशील कुमार मोदी जी का भी ट्वीट आ गया। मैं जानना चाहता हूं एनडीए के सभी नेताओं से और भाजपा के नेता से भी, गुजरात में शराबबंदी कानून लागू है, दर्जनों लोग की मौत होती है, सुलभ व्यापार भारतीय जनता पार्टी वहां निरंतर पैरेलल इकोनॉमी कायम करके रखी है, क्या गुजरात में शराबबंदी कानून वापस लेंगे? देश के प्रधानमंत्री ऐलान करें, दिल्ली से ऐलान करें कि हम गुजरात में शराबबंदी कानून हम वापस करने जा रहे हैं, जहां खुद फेल है, जहां लोग जहरीली शराब से मौत हो रही है गुजरात के अंदर में, अवैध व्यापार का धंधा इतना है कि वहां 25,000 करोड़ गुजरात के अंदर में भारतीय जनता पार्टी पैरेलल इकोनॉमी शराब के माध्यम से उगाही कर रही है, बिहार के अंदर में शराबबंदी कानूनी सशक्त तरीके से जब लागू हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि सत्ता में रहकर के एक पैरेलल इकोनॉमी जो कायम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने किया उस पर विराम लगा है। तो बिहार में भी तो वही स्थिति है ना, आप लोग जरा जान लीजिए और नहीं जानते हैं तो एक बार आकलन भी कर लीजिए। यही जब स्मेलिंग टेस्ट हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो 100 में से 41 लोग जो है पिए हुए पकड़े गए थे रात में, आज तो घटकर के 11 आ गया जी। धीरे धीरे कानून और सशक्त हो रहा है, शराबबंदी कानून अगर लागू है तो जो आदतन है वो बाज नहीं ले रहे हैं, तो वो लोग तो मांग करेंगे ही कि शराब चालू हो जाए। पर हमें जिस लिए शराब बंद हुआ बिहार के अंदर में, मजाल है कि शराब पी करके सड़कों पर कोई गुंडाई कर दे और वो जेल के सलाखों में न जाए। अच्छा, भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा ये आरोप लगा रही है कि जिनको वो टिकट दिए हैं कुढ़नी में उनका बोतल के साथ फोटो वायरल हुआ है, और जो गोपालगंज के जो टिकट दिए थे उनका दारू का फैक्ट्री है, क्या कहिए? भारतीय जनता पार्टी को सत्य का जानकारी नहीं रहता, मुझे दुख होता है कि कैसे कैसे किन किन किस्म के लोगों को यहाँ स्थापित करके भारतीय जनता पार्टी रखी है, उनका कोई रिश्ता नहीं है गोपालगंज वालों का शराब से। और जहाँ तक रहा सवाल मनोज कुशवाहा का, तो मनोज कुशवाहा जी का जो बोतल है वो जो आजकल आता है पीने वाला ठंडा जो नया चला है, उसका बोतल को लोग शराब बता रहा है। बड़ा मुश्किल है, अगर जमाइन का पानी भी सुबह पीते रहिए गैस के कारण तो अभी कोई फोटो लेके वायरल कर देगा, कहेगा शराबे है, बड़ा मुश्किल है भाई। तो शराब की बोतल नहीं है, जरा देख लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए और बढ़िया से जरा देख भी लीजिए। ये जो भाजपा के लोग जो तिकड़मबाजी करें, मुद्दा भी ना हो गए क्या? महंगाई पर, बेरोजगारी पर, सब चारों तरफ थूथू हो रहा है, तो ये वो नया जरा धरना चाहिए, गुजरात वाला वापस लीजिए ना। बिहार में शराब चालू होगा? क्यों होगा चालू बिहार में? जनता को फायदा है, गाँव कस्बों में लोग अमन चैन से रह रहे हैं, ये किस दुनिया में पड़े हुए हैं? सेहत लोगों की जरूरी है, पैसे तो सेहतमंद लोग कमा लेंगे, लेकिन जब सेहत ही समाप्त हो जाएगा तो राज्य का खजाना भी कम पड़ जाएगा। तो जिस दृष्टिकोण से शराबबंदी कानून लागू की गई है वो तो सफलता के
प्रतिदिन गाथे गा रहे हैं। तो यानी कि बिहार में शराब चालू नहीं? गुजरात में शराब चालू करने के लिए कहिए भाजपा के लोग, यहाँ चालू हो जाएगा। हम तो कहें गुजरात में पहले चालू करें ना, उसके बाद यहाँ हो जाएगा। हम तो कह रहे गुजरात में पहले चालू करें, बापू की धरती में चालू करें देश के प्रधानमंत्री जी। चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। विनेश प्रणेशन के साथ नमस्कार।